हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज वीडियो। मैं आपका मैथ्स टीचर दीपक सर आप लोग को आज पढ़ाने जा रहा हूँ टाइम के बारे में। ठीक है, आज का हम लोग का टॉपिक है टाइम, और टाइम क्या होता है इसको हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। ओके, तो टाइम को समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल लेने से आप जल्दी समझ जाएगा। ऑलराइट, तो शुरू चलिए। तो पहले मैं आप लोग को एग्जाम्पल्स टाइम के बारे में समझाऊं, उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं एक बार कि आखिर हम लोग इस टॉपिक में, जो हम लोग का टाइम टॉपिक है टाइम, इसमें पढ़ेंगे क्या, एक बार इस पर हम लोग नज़र डाल लेते हैं, फिर मैं आप लोग को समझाऊंगा कि टाइम है क्या। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि टाइम के बारे में, टाइम है क्या, है ना। उसके बाद हम लोग सीखेंगे क्लॉक को रीड करना, ठीक है ना। क्लॉक आपने देखा होगा, हर घर में होता है, इसमें हम लोग टाइम देखते हैं। तो क्लॉक को देखकर कैसे पता चलेगा कि क्या टाइम हो रहा है, ये हम लोग रीड करना सीखेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि एक वीक में जो डेज होते हैं वो कौन कौन से डेज होते हैं, ठीक है, और कितने होते हैं। और फिर पूरा जो वन ईयर है, या ये आपको तो ईयर क्या है आपको पता होगा, और इस ईयर में मंथ्स होते हैं वो कितने मंथ्स होंगे, कौन कौन से होंगे, ये चीज़ भी हम लोग जानेंगे जब हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे तो, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कैलेंडर को रीड करना, ठीक है ना। कैलेंडर क्या होता है, इससे हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, कैलेंडर को देख के हम क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम बता सकते हैं कि आज का डेट क्या है, कौन सा मंथ चल रहा है या कौन सा डे चल रहा है, ये सारा बात हम लोग कैलेंडर से हम लोग को पता चल जाता है। और उसको देखकर कैसे पता हमें चलेगा, ये सारी बातों को हम इस टॉपिक में समझेंगे। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हम लोग अपना का पहला टॉपिक टाइम। टाइम को हिंदी में हम लोग कहते हैं समय। आपने अक्सर घर में सुना होगा क्या टाइम हो रहा है, किसी ना किसी को पूछते हुए क्या टाइम हो रहा है। अच्छा, टाइम जानकर हम क्या पता कर लेते हैं, है ना। तो उसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सुबह में कब उठते हैं, ठीक है, तो अगर आपको घड़ी देखना नहीं आता है, आप घड़ी देखना नहीं सीखे हैं, तो आप क्या कहेंगे, मैं सुबह में उठता हूँ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इन द मॉर्निंग। फिर मैं आपसे कहूँ कि आप ब्रेकफास्ट कब करते हैं, तो आप घड़ी देखना नहीं सीखे हैं, आपको टाइम का अभी उतना नॉलेज नहीं है, तो भी आप यहाँ कहेंगे आई गेट अप या आई डू माई ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, ठीक है। उसी तरह से ओके, तो ये सब क्वेश्चन का आंसर सेम ही हो रहा है, सिमिलर। जस्ट गिव मी वन मिनट, मैं दूसरा भी एग्जांपल लेता हूं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपना लंच कब करते हैं, तो आप कहेंगे इन द आफ्टरनून। ओके, फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप खेलने कब जाते हैं, तो हो सकता है आप कहें इन द इवनिंग। आप अपना होमवर्क कब करते हैं, तो आप कहेंगे एट नाइट, ठीक है। मतलब आप अगर सुबह उठने से रात को सोने तक के बीच में जो भी आप टाइम को ऑब्जर्व करते हैं, वो आपको इसी तरह का मोस्टली मिलेगा। या तो आप कहेंगे इन द मॉर्निंग, या तो इन द आफ्टरनून, या फिर इन द इवनिंग, या फिर एट नाइट। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक तरह से टाइम को ही डिनोट कर रहा है, बट इन अनदर वे, है ना। जब आप कहते हैं इन द मॉर्निंग, तो समझ में आ रहा है कि आप इन द मॉर्निंग मतलब उठने के बाद के समय की बात हो रही है, ठीक है ना। और जब आप कहते हैं कि इन द आफ्टरनून, तो इस समय से इन द आफ्टरनून की जब हम लोग आफ्टरनून का बात करते हैं, इट मीन्स उस समय जो दिन है वो आधा लगभग क्रॉस कर चुका है ना। यानी जो सूर्यदेव है, जो हमारे सन, वो एकदम ठीक ऊपर है, आसमान में चमक रहे हैं, पूरा धूप तेज लग रहा है, ठीक है। हाँ, थोड़ा मौसम की वजह से थोड़ा उसमें डिफरेंस आएगा, बट आप उससे कन्फ्यूज मत होइएगा। आफ्टरनून की जब बात करें, इट मीन्स जो सूर्य है वो एकदम हमारे सर के ऊपर है। अगर आप इन द इवनिंग की बात करते हैं, तो इसका मतलब आपको समझ में आएगा कि मतलब सूर्य अस्त होने वाला है,
है ना, अस्त नहीं हुआ है या जस्ट अभी अभी हुआ है या फिर होने वाला है। और उसी तरह से जब आप कहेंगे एट नाइट, इट मीन्स आपको क्या समझ में आएगा कि अब ये सूर्यास्त हो चुका है, अंधेरा हो चुका है, वो उस समय की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये जो मैं लिखा है कि इन द मॉर्निंग या इन द आफ्टरनून या इन द इवनिंग या एट नाइट, ये भी एक टाइम को ही डिनोट करने वाले फ्रेजेज हैं, ठीक है। चलिए अब हम, जैसे मैंने पूछा आप कब उठते हो, व्हेन डू यू वेक अप, तो आपका क्वेश्चन था इन द मॉर्निंग। अगर मैं पूछूं व्हेन डू यू ब्रश योर टीथ, तो इसका भी आंसर आपका है इन द मॉर्निंग, मतलब आप उठते हैं कब, इन द मॉर्निंग। आप ब्रश कब करते हैं अपना टीथ को, तो इन द मॉर्निंग। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं व्हेन डू यू प्ले, आप कब खेलते हैं, कब खेलते हैं आप, तो उसका आंसर आप क्या दे सकते हैं, इन द इवनिंग। ऑलराइट, या अगर मैं पूछूं व्हेन डू यू गो टू मार्केट, तो इसका भी आंसर आप दे सकते हैं इन द इवनिंग। मतलब कि अब ये जो हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे सुबह सोकर उठे या अपना दांत को साफ किए या खेलने गए या बाजार गए, तो ये एक एक्टिविटी है जो एक पर्टिकुलर टाइम में ही मोस्ट ऑफ द टाइम घटता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इवेंट भी कह सकते हैं, मतलब सुबह सोकर उठना एक इवेंट है और वो हम लोग मोस्टली इन द मॉर्निंग सुबह के समय में करते हैं, ठीक है। फिर उसी तरह से दांत साफ करना, दांत साफ करना क्या है, ये एक इवेंट है और ये हम लोग मोस्टली कब करते हैं, इन द मॉर्निंग सुबह के समय में करते हैं। फिर खेलने ये भी एक एक्टिविटी है, है ना, यानी इसको भी हम लोग इवेंट कह सकते हैं। और ये इवेंट कब अकर करता है, मतलब कब होता है, तो मोस्टली इन द इवनिंग, शाम के समय में ही ज़्यादा बच्चे खेलने जाते हैं। या सिमिलरली बाजार जाने का समय ज़्यादातर कब होता है, तो इन द इवनिंग, मतलब कि ये एक इवेंट है बाजार जाना, और ये कब घटता है, तो मोस्टली इन द इवनिंग, शाम के समय में। सिमिलरली इसी तरह से आपसे पूछा जाए व्हेन डू यू हैव योर लंच, व्हेन डू यू हैव योर लंच, तो इसका आंसर क्या आएगा, इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय में, है ना। व्हेन डू यू हैव योर डिनर, इसका आंसर डिनर मतलब होता है रात्रि भोजन, ना रात का भोजन, रात के समय जो हम लोग भोजन करते हैं उसको, उसी को हम लोग डिनर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, एट नाइट। उसी तरह से व्हेन डू यू डू योर होमवर्क, व्हेन डू यू डू योर होमवर्क, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एट नाइट। तो सिमिलरली कुछ इवेंट्स होते हैं, मतलब जो हम एक्टिविटी करते हैं वो अलग अलग टाइम में होता है ना। तो अभी जो आपको मैंने भी बताया, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, एट नाइट, तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग मॉर्निंग में यहाँ पे दो इवेंट हुआ, इवनिंग में भी दो इवेंट हुआ, दोपहर में अभी तो मैंने एक ही इवेंट किया, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे दोपहर में और भी बहुत सारे काम होते हैं। रात में भी दो इवेंट हुआ है, आपने डिनर किया है, आपने होमवर्क किया है, फिर उसके बाद आप सोने भी जाएंगे, तो ये सारे एक्टिविटी रात में हो रहा है। लेकिन अब इसमें भी कुछ पहले होगा और कुछ बाद में होगा। अब रात तो जैसे कि ऑलमोस्ट 12 आवर्स का होता है, तो 12 आवर्स में कब आप डिनर किए, कब आप होमवर्क किए, ये सारी बातें सिर्फ एट नाइट कह देने से उतना क्लियर नहीं होगा, है ना। मतलब हम लोग को कुछ और भी बातों का ध्यान रखना जब भी हम लोग टाइम की बात करेंगे, ठीक ठीक है ना। अगर एकदम स्पेसिफिक टाइम बताना है, जैसे सपोज कीजिए कोई आपका एक फेवरेट कार्टून शो आ रहा है, ठीक है ना, जस्ट इमेजिन छोटा भीम आ रहा है, तो छोटा भीम सपोज कीजिए रात में आता है, तो रात में तो
जैसे बहुत सारे एक्टिविटी कर रहे हैं, आप होमवर्क भी कर रहे हैं, डिनर भी कर रहे हैं, छोटा भीम भी उसी टाइम आ रहा है, तो आप कब अपना टीवी ओपन करेंगे और आप छोटा भीम, ऐसा तो नहीं है कि आप टीवी ओपन किए और छोटा भीम आके चला भी गया और आप मिस कर दिए, या फिर आप टीवी ओपन किए और अभी छोटा भीम आ ही नहीं रहा है, पता नहीं आप अपना टाइम वेस्ट कर दिए छोटा भीम का वेट करते करते, हाफ एन आवर वन आवर आप टाइम वेस्ट कर दिए, हो सकता था कि आप उस समय में अपना होमवर्क कर लेते हैं, लेकिन आपको टाइम पता ही नहीं था, आपने टीवी ओपन करके बस खुला रख दिया वेट करते हुए कि छोटा भीम आएगा तो देखेंगे, और उसको आने में भी एक घंटा का देरी था और आपने अपना होमवर्क भी नहीं किया और छोटा भीम का टाइम भी निकल गया, मतलब आया भी नहीं और आपका टाइम वेस्ट हो गया। तो यानी हमको और स्पेसिफिक अगर जानना है कि कोई इवेंट कब अकर कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को एक क्लॉक का हेल्प लेना पड़ेगा। क्लॉक किसे कहते हैं, तो आइए समझते हैं। तो जो अभी मैंने बताया एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए, फिर से मैं उन इवेंट्स की बात कर रहा हूं, जैसे फर्स्ट इवेंट है वेकअप, ब्रश योर टीथ, गो टू स्कूल, हैव योर लंच, गो टू प्ले, डू योर होमवर्क, हैव योर डिनर, एंड एट गो टू स्लीप। तो मोस्टली जो आपके जैसे बच्चे होते हैं वो यही सारे एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं इन ए डे। सुबह उठते हैं, दांत साफ करते हैं, स्कूल जाते हैं, मतलब दांत साफ करना, उसके बाद नहाना वाना भी हो गया, ब्रेकफास्ट करना भी हो गया, मतलब कुछ इवेंट्स मैंने छोड़ दिया है, फिर लंच करते हैं स्कूल में, फिर घर आते हैं तो खेलने जाते हैं, होमवर्क करते हैं, फिर डिनर करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर अगले दिन फिर यही सारा स्टेप्स को रिपीट करते हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट्स, है ना, क्या कहेंगे इसको, सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट्स, मतलब कौन सा एक्टिविटी पहले करेंगे कौन सा एक्टिविटी। कभी ऐसा हुआ है कि आप स्कूल गए और उसके बाद ब्रश योर टीथ कर रहे हैं, स्कूल गए उसके बाद दांत साफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है मोस्टली, आप कर सकते हैं बट वो सही नहीं होगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं हुआ है कि आप पहले लंच कर लिए उसके बाद आप दांत साफ किए उसके बाद स्कूल गए, ऐसा नहीं होगा ना, जब होगा तो इसी ऑर्डर में होगा, सबसे पहले आप उठेंगे उसके बाद ही आप ब्रश करेंगे, उसके बाद ही आप स्कूल जाएंगे, उसके बाद ही अपना लंच करेंगे, उसके बाद ही आप जब घर वापस आएंगे तो खेलने जाएंगे, उसके बाद आप होमवर्क करते हैं, उसके हाँ इसमें एक आध इधर उधर हो सकता है, जैसे कुछ बच्चे पहले ही होमवर्क कर लेते हैं फिर होमवर्क जाते हैं, तो एक आध एक्टिविटी इधर उधर हो सकता है, बट मोस्टली यही सीक्वेंस रहता है। फिर उसके बाद रात को आप डिनर करते हैं, फिर जाके आप सोते हैं। तो यह है सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट जो एक दिन में बच्चे करते हैं। अब ये आप जैसे मैंने बताया कि ये जो तीन एक्टिविटी है ये मोस्टली आप कब करते हैं, मॉर्निंग में, और ये आप मोस्टली कब करते हैं, आफ्टरनून, और ये इवनिंग, एंड दिस एट नाइट। तो ये आपका नियर अबाउट टाइम है कि ये काम कब करना है, लेकिन आपको स्कूल जाना है 8 बजे से और आप सोकर ही उठे 8 बजे, तो क्या आप स्कूल जा पाएंगे, आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपको उठकर ब्रश टीथ भी ब्रश करना है, नहाना भी है, ब्रेकफास्ट भी करना है, रेडी होना है, उसके बाद आपको स्कूल जाना है। तो आप ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में कभी भी उठ गए, आप मॉर्निंग में कब उठेंगे, प्रॉपर टाइम पे उठेंगे या उसके थोड़ा इधर उधर, ताकि आप अपना स्कूल जाने के समय तक रेडी हो जाएं। तो यानी कि मॉर्निंग में भी आपको बहुत सारे टाइम है ना, जैसे सपोज कीजिए 6 AM आप वेकअप किए, 6:30 में आपने ब्रेकफास्ट टीथ ब्रश, 6:30 में आप क्या किए, अपना टीथ को ब्रश किए, उसके बाद में भी आप 7 AM में स्कूल के लिए निकल गए। ठीक है,
तो ये जो अभी हम मैंने लिखा है 6 AM, 6:30 AM, 7 AM है, अगर आपका लंच है तो मे बी आपका 12:30 के आसपास होगा आपका लंच, ठीक है, 12:30 PM या मे बी किसी का 1 PM में भी हो रहा है लंच, है ना, थोड़ा सा डिफरेंस पे, है ना। इवनिंग में आप जब खेलने जा रहे हैं तो सकता है 4 PM में जाएं खेलने, फिर अपना होमवर्क आप 6 PM में कर लिए, डिनर आप 8 PM में कर लिए और आप गो टू स्लीप मतलब 9 PM में चले, ठीक है। तो ये सब क्या एकदम स्पेसिफिक टाइम है। अब यहां देखिए AM लगा है, PM लगा है, तो AM कब यूज कर रहे हैं आप देखिए, मोस्टली AM कब यूज हुआ है, इन द मॉर्निंग में, मतलब ये जो टाइम है आपका मॉर्निंग में, यहाँ पे हम लोग AM यूज किए हैं और उसके बाद से सभी जो है आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया या एट नाइट हो गया, यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, PM। अच्छा क्यों हमने यूज किया PM, क्योंकि अगर AM PM नहीं यूज करेंगे तो देखिए यहाँ भी 6 o'clock हो रहा है और यहाँ भी 6 o'clock हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि 6 o'clock इन द मॉर्निंग और 6 o'clock इन द इवनिंग, तो उसके लिए हम लोग को AM PM यूज करना पड़ता है। तो जैसे मैंने बताया मॉर्निंग में AM, अगर AM है इट मीन्स मॉर्निंग का टाइम है और अगर PM है इट मीन्स इवनिंग का टाइम है, ठीक है। तो ये छोटा छोटा बातों को ध्यान देना है, कब हम खेलने जा रहे हैं, कब हम पढ़ेंगे, कब हम अपना होमवर्क करेंगे, कब हम डिनर करेंगे और कब हम सो जाएंगे, तो ये जब हम लोग को ये क्लॉक को रीड करना आएगा तो ही हम प्रॉपर टाइम पे अपना कोई भी वर्क या इवेंट है वो कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जानते हैं कि कैसे किसी क्लॉक को रीड करते हैं। तो क्लॉक सबसे पहले देख लेते होता कैसे। आपने घर में देखा होगा एक राउंड स्ट्रक्चर होता है, ओके, ठीक है। तो हम लोग अब सीखेंगे क्लॉक को रीड करना। तो लेकिन क्लॉक को रीड करने से पहले हम लोग को ये भी आना चाहिए कि हम क्लॉक को बनाएं कैसे। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमको एक सर्कल, ऐसे सर्कुलर एक शेप बना देना, ठीक है ना, एकदम राउंड शेप। अब कैसे बनाएंगे आप ऐसा, तो आप अपने घर में बैंगल हो सकता है उसका यूज़ कर सकते हैं या कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट जिसको आप उसके चारों तरफ ऐसे लाइन ड्रॉ करके एकदम कोशिश करिएगा एक सर्कुलर ऐसा क्लॉक बनाएं, क्योंकि क्लॉक बनाना आना चाहिए। अभी आप क्लॉक बनाएंगे, क्लॉक बनाने का भी एक मेथड होता है वो मैं अभी आप लोग को बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आपको एक ऐसा राउंड फिगर बना लेना है और उसके ठीक सेंटर पे एक पॉइंट ऐसे बना देना है, ठीक है, इसके ठीक सेंटर पे एक ऐसा पॉइंट बना देना है, सबसे पहला काम ये करना है। और ठीक अब ये जो पॉइंट है इसके ठीक ऊपर हम लोग को लिख देना है 12, ओके, और उसके ठीक नीचे लिख देना है 6, और ये जो पॉइंट है उसके राइट साइड में एकदम होना चाहिए 3 और लेफ्ट साइड में होगा 9। आपको सबसे पहले ये 4 नंबर्स को लिख देना है जब भी आप ऐसा क्लॉक बनाएंगे। तो अब ये देखिए आपको 12 और 3 के बीच में थोड़ा सा स्पेस है, तो 12 और 3 के बीच में आपको 2 नंबर्स लिखने हैं, कौन कौन से नंबर, तो 1 और 2। जस्ट गिव ए मिनट, गिव मी अ मिनट, सिस्टम से सेवन,
ओके सो क्या करना, क्या मैंने बताया आप लोगों को, 12 के बाद और 3 के बीच में आपको 1 और 2 लिख देना, थोड़ा थोड़ा इक्वल डिस्टेंस पे, ऐसा लगे कि एकदम इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे, थोड़ा थोड़ा सा इधर उधर चलेगा। अब ये बचा 3 और 6, तो 3 और 6 के बीच में हम लोग क्या लिखना है, 4 और 5 एकदम इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे यहाँ 4 लिख दिए और यहाँ 5 लिख दिए, ठीक है। अब 6 और 9 के बीच में लिख देना है 7 और 8, थोड़ा ध्यान से बनेगा एकदम अच्छा सा क्लॉक बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि क्लॉक बनाना भी आप लोग को, अभी आगे मैं आप लोग को बोलूँगा क्लॉक बनाने के लिए, तो अभी ध्यान से सीख लीजिए कैसे क्लॉक बनाएंगे। तो 9 के बाद अब फिर यहाँ पे 10 लिख देना है और 11 इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे, देखिए तो क्लॉक अच्छा लग रहा है ना। अब सपोज कीजिए अभी टाइम हमको इसमें शो करना है 6 o'clock, ठीक है ना, ओ या नॉर्मल हम लोग ऐसे ही लिखते हैं 6 o'clock, ठीक है। 6 o'clock मतलब 6 बजना है, हमको शो करना है कि 6 बजा है। तो आपको याद रखिए क्लॉक में 2 hands होते हैं, देयर आर 2 hands इन ए क्लॉक, देयर आर 2 hands इन ए क्लॉक। पहला हैंड कौन सा होगा, तो आवर हैंड, और सेकंड कौन सा होगा, मिनट हैंड। अच्छा एक और क्लॉक होगा जिसको हम लोग सेकेंड हैंड बोलते हैं, लेकिन अभी हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। वैसे 3 hands होते हैं, एक आवर हैंड, एक मिनट हैंड और एक सेकेंड हैंड भी होता है, बट अभी हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ आवर हैंड और मिनट हैंड की बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सा आवर हैंड है और कौन सा मिनट हैंड है। तो ध्यान रखिएगा आवर हैंड जो होता है वो स्मॉल होता है, यानी स्मॉलर हैंड जो होगा वो आवर हैंड होगा, और मिनट हैंड जो होता है वो बिग होता है, मतलब लार्जर होता है। तो जो उसमें लार्जर होगा वो होगा मिनट हैंड। जैसे अभी मैं आप लोगों को 6 o'clock बना के दिखा रहा हूँ, मैंने क्या किया कि एक लाइन ड्रॉ किया इस तरह और एक इस तरह से ड्रॉ किया, और ये हमारा देखिए मिडिल पॉइंट है, इसको हमेशा ध्यान रखना है, ये मिडिल पॉइंट है हमारा, ठीक है ना, यहीं से हमारा दोनों हैंड निकलेगा। तो ये जो मिडिल हैंड है, अब आप देखिए एक हैंड नीचे और एक हैंड ऊपर है, तो ये जो नीचे वाला हैंड है वो कैसा है, छोटा है, स्मॉलर है, और ऊपर वाला जो हैंड है वो बिगर है, लार्जर है। इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, आवर हैंड हो गया, और ये क्या हो गया, मिनट हैंड, ठीक है। दिस वन इज आवर ठीक है। तो ये जो हमारा छोटा वाला है ये होगा हमारा आवर हैंड, और ये हमारा हो गया मिनट हैंड। क्यों, ये मिनट हैंड क्यों इसको बोलेंगे, क्योंकि ये बिगर है और ये स्मॉलर, इसलिए इसको बोलेंगे आवर हैंड। और जब भी हमको कोई क्लॉक को देखना हो तो हम लोग को यही दो हैंड पर मेनली ध्यान देना है। तो ये जो आवर हैंड होगा यही बेसिकली हम लोग का टाइम बताता है, ठीक है ना। अभी आप लोग हम लोग सिर्फ मिनट्स वाला टाइम अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी केवल हम लोग आवर वाला टाइम पढ़ेंगे, जैसे 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock। लेकिन आप ध्यान रखिएगा जब भी 6 o'clock होगा या 7 o'clock होगा, यानी फुल टाइम जब होगा, तो ये जो मिनट हैंड है वो हमेशा 12 पे रहना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि मिनट हैंड कहाँ होगा, तो मिनट हैंड हमेशा 12 पे होगा, और आवर हैंड जिस नंबर पे होगा वही टाइम हो रहा होगा, ठीक है ना। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, इन बातों को ध्यान रखेंगे कि 2 hands होते हैं क्लॉक में, जिसमें एक हैंड होगा आवर हैंड और दूसरा होगा मिनट हैंड। आवर हैंड जो होगा वो स्मॉलर होगा और मिनट हैंड जो होगा वो लार्जर होगा। आवर हैंड मिनट हैंड आपका मोस्ट ऑफ द टाइम 12 पे होगा, जब भी हम लोग 6 o'clock, 7 o'clock, 5 o'clock इस तरह का जब टाइम होगा, तो ये जो मिनट हैंड होगा वो 12 पे होगा, और ये जो आवर हैंड होगा जिस नंबर के
तरफ इशारा कर रहा होगा वही टाइम हो रहा होगा, ठीक है। अब इसको और अच्छे समझने के लिए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको इरेज करके कुछ और बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ क्लॉक बना रहा हूँ। चलिए अभी हम लोग 3 o'clock बनाएंगे। आप देखिए ध्यान से कैसे बनाना है। मैंने मिटा दिया, क्यों मिटा दिया, क्योंकि हम लोग अभी इसको पहले कंप्लीट किए नहीं, इसीलिए इसको कंप्लीट करके फिर बनाएंगे। तो मैंने क्या बताया था आप लोग कि जब भी क्लॉक बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके सेंटर में हम लोग एक पॉइंट देंगे, पॉइंट के ठीक ऊपर होगा 12, फिर उसके नीचे होगा 6, राइट साइड में होगा 3 और लेफ्ट साइड में होगा 9, और फिर यहाँ पे हम लोग बाकी जो नंबर्स है वो बराबर बराबर डिस्टेंस पे फिल कर देंगे। ठीक है, ये हमने कर दिया। ओके, सो बेसिकली दिस इज द प्रॉब्लम। एनीवेज हम लोग बना लेंगे क्विकली, हम लोग को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्या करना है, सेंटर में एक पॉइंट देना है, ठीक है, दे दिए, फिर उसके ठीक ऊपर 12, ठीक नीचे 6, ठीक राइट में 3 और लेफ्ट में 9, ठीक है ना। सबसे ऊपर 12, उसके नीचे 6, राइट में 3, लेफ्ट में 9, और उसके बाद हम लोग इसको फिल कर लेंगे, बाकी के जो नंबर्स हैं उससे फिल कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि जब भी हम लोग क्लॉक को रीड करेंगे तो हम लोग को 2 हैंड होंगे, एक मिनट हैंड और आवर हैंड। मिनट हैंड हमारा बड़ा वाला हैंड होगा, ठीक है, और ये अभी हम लोग फिलहाल जो हम लोग टाइम रीड करेंगे उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम 12 पे होगा, ये बात ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा, इसको भी कंप्लीट कर लें, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11। अब 3 o'clock हैं हमारे पास, सभी में मिनट हैंड जो है वो 12 पे है, लेकिन जो आवर हैंड है, जैसे सपोज कि यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहा है 4 पे, यहाँ किस पे इंडिकेट कर रहा है 7 पे, और यहाँ किस पे इंडिकेट कर रहा है 9 पे, ठीक है ना। देखिए स्मॉलर हैंड जो है थोड़ा बड़ा हो गया, इसको छोटा और कर दे, ठीक है। तो अब आपको पूछा जाए कि क्या टाइम हो रहा है, इस क्लॉक में क्या टाइम हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि मिनट हैंड सबका 12 पे है, तो आवर हैंड अब आपको देखना है छोटा वाला हैंड, और ये किस पे इंडिकेट कर रहा है 4 पे, इट मीन्स यहाँ पे टाइम क्या 4 o'clock, यहाँ पे ये जो है 7 पे इंडिकेट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 7 o'clock, और यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है 9 पे, तो ये हो जाएगा 9 o'clock, ठीक है ना। जब भी आप टाइम देखें तो ध्यान रखिएगा ये मिनट हैंड 12 पे होना चाहिए। अगर आपके घर में क्लॉक है और मिनट हैंड 12 पे नहीं है, इट मीन्स आपको छोटा वाला देखना है, तो वो जो टाइम होगा वो नियर अबाउट होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो हम लोग अभी और आगे अच्छे समझेंगे, फिलहाल हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि स्मॉलर हैंड जिस नंबर पे होगा वही टाइम होगा, अगर मिनट हैंड 12 पे हो रहा है तो। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी क्लॉक को आसानी से रीड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब हम लोग अपने बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेज ऑफ द वीक।
डेज ऑफ द वीक में ये तो आपको आई एम श्योर कि आपको पता होगा, बट मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि एक वीक में टोटल देर आर 7 डेज, ठीक है ना। हाउ मेनी डेज देर आर 7 डेज इन ए वीक, 7 डेज इन ए वीक, ये बात आपको याद रखना है। मीन्स इफ समवन आस्क्स यू, अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए वीक, आप क्विकली कहेंगे देयर आर 7 डेज इन ए वीक, ठीक है। अब वो कौन कौन से होंगे, तो संडे, क्या स्पेलिंग होगा, सन डी ए वाई डी, बहुत इजी स्पेलिंग। मंडे का एम ओ एन मन एंड डी ए वाई डी। फिर ट्यूजडे, ट्यूजडे का थोड़ा सा बड़ा है तो आप ऐसे इसको ब्रेक करके याद करिएगा, कैसे, तो टी यू ई एस एंड डी ए वाई, ट्यूजडे। एंड देन वेडनेसडे, ये भी थोड़ा सा बड़ा है बट आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, डब्ल्यू ई डी वेड एन ई एस नेस डी ए वाई डे। एंड देन थर्सडे, टी एच यू आर एस डी ए वाई, सिमिलरली आप इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं, टी एच यू आर एस डी ए वाई। एंड देन यू हैव फ्राइडे, एफ आर आई डी ए वाई, तो ये भी सिंपल सा आसानी से याद कर लेंगे। और फिर सैटरडे, तो कैसे याद करेंगे, एस ए टी सैट यू आर एंड डी ए वाई, सैटरडे, ठीक है। तो ये 7 डेज है इन अ वीक, आपको इनका सीक्वेंस याद रखना है, मतलब संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और इनका स्पेलिंग भी याद करना है। कैसे याद करना, तो देखिए आप ध्यान दीजिए, इसको ब्रेक कर करके आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज मंथ्स इन ए ईयर। तो मंथ्स कितने होते हैं, देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगर कोई पूछे हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन ए ईयर, तो आप कहेंगे देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर। अब वो कौन कौन से हैं, तो पहला है जनवरी, सेकंड है फेब्रुवरी, थर्ड मार्च, फोर अप्रैल, ठीक है, फिफ्थ मई, सिक्स जून, जुलाई, एट अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड द लास्ट दिसंबर। तो ये 12 मंथ्स हैं आपके किसी भी ईयर में, ओके, आपको ये याद कर लेना है। अब आप कैसे याद करेंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, याद करने के लिए थोड़ा मेहनत करिएगा, आपको ये याद हो जाएंगे, और साथ ही साथ इनके स्पेलिंग्स भी याद करने हैं, ठीक है। और ये तो हो गए हमारे 12 मंथ्स, लेकिन हर एक मंथ्स में कुछ नंबर ऑफ डेज होते हैं, और एक मंथ में कितने नंबर ऑफ डेज होंगे, ठीक है, ये हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और इसको कैसे याद करेंगे, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में ये भी एक्सप्लेन करूँगी कैसे हम लोग ये जो बड़े बड़े स्पेलिंग्स हैं उनको कैसे याद कर सकते हैं, ताकि आसानी से याद हो जाए और भूले नहीं। इन सारी बातों को मैं सेकंड पार्ट में आप लोग को थोड़ा समझाऊंगा, और साथ ही साथ उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि कैसे हम लोग कैलेंडर को रीड कर सकते हैं, मतलब कैलेंडर देख के हमें ये कैसे पता चलेगा कि आज का डेट क्या है, मंथ कौन सा है या कौन सा डे है, ये कैलेंडर को देख के हम कैसे जानेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।